ये 1982 की बात है, उस समय में भारत भवन भोपाल के लिए काम कर रहा था। तो स्वामीनाथन जी ने उस समय पूरे मध्य प्रदेश से जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको इकट्ठा किया और उनकी टीमें बनाई कि मध्य प्रदेश, जब ये छत्तीसगढ़ बना नहीं था तो उस समय पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने वो टीमें भेजी 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स की, और उनके साथ में एक लीडर होता था। कुछ मतलब उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स होते थे और कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स होते थे। तो मैं जो मुझे जो भेजा तो मुझे सरगुजा और रायगढ़ में भेजा, तो मैं उस टीम का लीडर था और मेरे साथ 3-4 और मेरे साथी थे। तो ये 1982 की सर्दियों की बात है कि जब हम सरगुजा में काम कर रहे थे तो यहाँ पे पास में एक गांव है, उसका नाम है मेंढरा कला। तो मेंढरा कला में एक कुम्हार था साहिबा राम, जिसके साथ हम कुछ मूर्तियाँ बनवा रहे थे। उसने बताया कि यहाँ के जो रजवार लोग होते हैं वो बहुत सुंदर घर में चित्रकारी करते हैं, मिट्टी का काम बहुत सुंदर करते हैं। और अगर आप फूहपुटरा गांव में जाओ तो वहाँ पर एक सोना बाई नाम की एक लेडी हैं जो इसका बहुत सुंदर काम करती हैं। आज मैं 2018 में जब फूहपुटरा आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये गांव पूरी तरीके से बदल गया। उस समय इस गांव में ना पक्की सड़क थी, ना इतने सारे मकान थे, पक्का मकान का तो कोई बात ही नहीं थी। सोना भाई का जो मकान था जिसमें अभी हम खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गांव के एक किनारे पे था। और जैसे ही गांव उसमें घर में घुसते थे तो एक तरफ पशु बने हुए थे। उस कमरे के बाद जब आप उनके गलियारे में, उनके आंगन में प्रवेश करते थे तो आपको एकदम ऐसा लगता था जैसे पता नहीं आप कौन सी दुनिया में आ गए। पूरे घर में जो एक बीच का जो एक अंगियारा है आंगन में, जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और उसके चारों तरफ एक गलियारा बना हुआ था। और इस गलियारे में चारों तरफ मिट्टी की बनाई हुई जालियां और खूबसूरत जो है वो रिलीफ वर्क किया गया था। एक तरफ अभी इस गांव, इस घर में वो नहीं है क्योंकि वो हम उखाड़ के यहाँ से भारत भवन ले गए थे, लेकिन यहाँ पर एक पार्टीशन बना हुआ था और उस पार्टीशन में बीच में कृष्ण जी थे, दोनों तरफ गाय उनकी खड़ी हुई थी, जैसे कृष्ण जी मुरली बजा रहे हैं और गाय जो है और उसकी धुन पे बिल्कुल मुग्ध होकर सामने खड़ी हुई है। और जालियों में कहीं पर चिड़िया बैठी है, कहीं पर मोर बैठा है, कहीं पर मुर्गी बैठी हुई थी। अभी उस कोने में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उस कोने में पहले यहाँ पर दो बच्चे किताब पढ़ते हुए बने हुए थे। इस तरीके से बने हुए थे कि जैसे मतलब किसी ने उनको कहा हो कि भैया आप किताब पढ़ो, आप अपना सबक पूरा करो, उसके बाद आपको खाना मिलेगा, आप यहाँ पे बैठ के चुपचाप पढ़ते रहो। ये पूरा घर जो है एक चित्र और मूर्तियों का संसार बना हुआ। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि एक मतलब जो सोना बाई थी वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनका बेटा दरोगा राम उस समय बहुत ही छोटा था, और सोना बाई की उस समय उम्र होगी कोई 30-35 साल की। वो उनका इतना, उनके पास उतनी उस समय खेती वेती भी उस समय इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो घर के सब लोग खेती करने चले जाते थे, वो अकेली घर में रह जाती थी। तो वो कहती थी कि मैं जब अकेली रह जाती थी तो फिर मैं बैठ के मिट्टी का काम करती थी। अपने अकेलेपन की जो उनकी पीड़ा थी उसका साथी उन्होंने मिट्टी को और मिट्टी से होने वाली कलाकारी को उन्होंने बना लिया। तो वो धीरे धीरे इस पूरे घर को सजाया करती थी और बनाया करती थी। ये आज हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, इतने सारे रंग लगे हुए हैं इनके बनाए हुए चित्रों में, ये सब उस समय नहीं था। छुई मिट्टी, गोबर, पीली मिट्टी और गेहूं, इसके अलावा और काजल, इसके अलावा वो कोई और कलर का इस्तेमाल नहीं करते। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये जो जालियां हैं ये तो सोना भाई के हाथ की बनी हुई है। ये मतलब जब मैं 1982 में आया था उस समय भी इसी तरीके की बनी हुई थी जैसी ये आज बनी हुई है। वो नागफनी जो उन दोनों के बीच में बनी हुई है,
आज इन्होंने इस घर में थोड़ा सा काम थोड़ा और ज्यादा कर लिया है। ये जाली सोनाबाई के ही हाथ की बनाई हुई है। मुझे खुशी है कि इस घर में अभी तक आज 1982 से करीब 38-40 साल हो रहे हैं, आज 38-40 साल बाद भी इस घर में सोनाबाई की जो स्मृतियां हैं उसमें से ये एक जाली है, जो जिस समय 1982 में मैं यहाँ आया था उस समय भी ये यहाँ पर बनी हुई थी और ये उन्हीं के हाथ की बनाई हुई जाली है। तो इस जाली को देख के मुझे एक मतलब मेरा रोमांच होता है कि मैंने इस घर में सोनाबाई को ये काम करते हुए देखा था। उस समय यहाँ पे रजवार लोगों में इतना काम की ये प्रथा नहीं थी। जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पे मैंने पूरे गांव में केवल और केवल सोनाबाई के घर में ये इतना काम देखा था। बाकी लोग छुई मिट्टी की लिपाई का काम करते थे और यहाँ के पास में एक जंगला गांव है, वहाँ पर एक गसिया जाति की एक महिला थी, उनके यहाँ भी इस तरीके के रिलीफ बने हुए थे, लेकिन उनके वहाँ जो मिट्टी का काम था वो रजवार लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का था। जब सोनाबाई दिल्ली पहुंच गए 1987 के बाद में, तब क्राफ्ट म्यूजियम में हमने वहां पर एक रजवार झोपड़ी बनाई। ये रजवार झोपड़ी बनाने के लिए सोनाबाई, उनका बेटा दरोगा राम और उनके साथ एक दो और सहायक दिल्ली में 2-3 महीने रहे और उन्होंने वहां पर वो झोपड़ी बनाई। उसके बाद में तो फिर उनका जो है इतना उनका काम का और उनके नाम का विस्तार हो गया कि कई लोगों ने उनके ऊपर कुछ लेख लिखे, किताबें लिखी। यह अनाज रखने की कोठी है और ऐसी कोठियां सोनाबाई ने बहुत बनाई और यहाँ पे सबको जाने लगभग हर एक कृषक के घर में इस प्रकार की कोठियां होती हैं। कई लोग उसको इस प्रकार से चित्रकारी करके या मिट्टी का काम करके सजाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर ये यहाँ पे कृष्ण जी रखे हुए हैं, ये एक छेद होता है यहाँ पे जिससे इसके अंदर अनाज भरा जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ एक और छेद होता है नीचे की तरफ, यहाँ से अनाज को जब उपयोग करना होता है तो वो निकाला जाता है। और इसके बीच में तो ये मतलब सोनाबाई या रजवार लोगों की कल्पनाशीलता है या तो कलात्मकता है कि वो इस अनाज रखने की कोठी को भी इतना सुंदर रूप दे देते हैं। मैंने एक बार पूछा था सोनाबाई से कि ये चिड़िया विड़िया आप क्यों बनाते हो इसके साथ में, तो वो कहती थी कि ये चिड़िया है, इसको चिड़ई चुनमुन बोलते हैं और ये जिंदगी का प्रतीक है। जहाँ पे धान होगा, जहाँ पे अनाज होगा, वो चिड़िया वहीं पे आएगी, तो जहाँ पे अनाज होगा वहीं पे जिंदगी होगी। इसलिए उनको वो जिंदगी को दिखाने के लिए कि अनाज और जिंदगी का क्या संबंध है, वो इसके साथ में हमेशा चिड़िया वगैरह या पशु पक्षी बनाती थी। सोनाबाई छत्तीसगढ़ की या सरगुजा की वो पहली महिला हैं जिसको तुलसी सम्मान से नवाजा गया और जिन्होंने मतलब कला को, मिट्टी की कला को या लोक कला को इस हद दर्जे तक समझा कि उसको आर्किटेक्चर का, अपना जो वास्तुशिल्प है ग्रामीण वास्तुशिल्प, उसका उन्होंने उसको पार्ट बना दिया। 1982 के बाद में जब सोनाबाई का ये यहाँ से जो काम है वो भारत भवन चला गया और उनको शिखर सम्मान मिल गया, तो 1987 में मैं भारत भवन से मैं दिल्ली चला गया क्राफ्ट्स म्यूजियम में। तब हमने उनको क्राफ्ट्स म्यूजियम में बुलाया। उनके सोनाबाई के साथ में मेरा बहुत ही व्यक्तिगत एक रिश्ता जैसा उनके साथ में बन गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने एक बहुत ही अच्छे कलाकार को खोज के निकाला जिनको पहले कोई रजवार जो भित्ति चित्र हैं या उनके बनाए हुए जो रिलीफ वर्क है, क्ले का जो काम है, इसके बारे में बहुत कोई जानता नहीं था। सोनाबाई के माध्यम से पहली बार जो रजवार समुदाय और उनकी जो कला है वो लोगों के सामने आई, तो एक तरीके का मेरा उनके साथ और उनके बेटे दरोगा राम के साथ में बहुत रिश्ता सा बन गया था। वो जब हम उनको बुलाते थे क्राफ्ट्स म्यूजियम में तो कभी वो मेरे लिए चावल लेके आती थी सरगुजा से, यहाँ की जो तुअर की दाल है सरगुजा की बहुत फेमस है, वो उसका दाना बहुत बड़ा होता है, तो वो अपने खेत की दाल मेरे लिए लेकर आती थी। एक बार वो यहाँ से वहां पर आई तो शकर कंदिया लेकर आई, तो वह जब भी आती थी उनके साथ एक बहुत मतलब एक बड़ा प्यारा सा एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बन गया था कि वो जब भी आती थी तो वो मुझे अपने गांव की कोई ना कोई चीज लेकर साथ में आती थी।
सोना बाई जो है वो बहुत ही एक सादा, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, क्योंकि उनके जो उनके घर में कोई था ही नहीं उनके बेटे के अलावा, वो बहुत उनका एक एकाकी जीवन था। और एक बिल्कुल ग्रामीण जिसको कहते हैं वो महिला थी, और ये जो फुपुटरा गांव है ये अंबिकापुर या सरगुजा जिले का बहुत ही एक आंतरिक सा गांव है। तो वो एक बहुत ही सादा किस्म की महिला थी, जिनको कुछ अपने काम के बारे में वो कह नहीं पाती थी। अगर मैंने उनसे कई बार पूछा कि ये जो आप बनाती हो आप क्या सोच के बनाती हो, तो वो कभी इस बारे में कह नहीं पाती थी कि क्या सोच के बनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कह नहीं पाती थी वो समझती नहीं थी। अगर उनको सौंदर्य या सौंदर्य की परख नहीं होती तो वो सौंदर्य की रचना कर नहीं सकती थी। तो उनकी आँख को उनके उनके मन में या उनके मानस में कला और उसकी सुंदरता का पूरी तरीके से उनको पता था कि वो क्या है, ये बात दूसरी है। और सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे जो आदिवासी लोक कलाकार हैं वो कला के बारे में या कला के सौंदर्य के बारे में कुछ कह नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको जानते नहीं हैं या समझते नहीं हैं या महसूस नहीं करते। अगर वो जानते नहीं होते या महसूस नहीं करते तो वो कभी भी उसकी रचना भी नहीं कर सकते थे। तुलसी सम्मान जैसे पुरस्कार मिलने के बाद अमेरिका में गई, इंग्लैंड में गई, उन्होंने कभी ये दर्शाया ही नहीं कि वो इतनी महान या इतनी बड़ी कलाकार है।